Hey guys, welcome to our channel. So, आज का व्लॉग होने वाला है सोहो क्लब के बारे में. हम जा रहे हैं सोहो. हम लोग बिल्कुल पहुंचने वाले हैं. 12:15 बज रहे हैं. 12 बजे से एंट्री शुरू होता है. 1:30 बजे तक एंट्री होता है वहाँ पे. फिर उसके बाद आपको सिर्फ पार्टी 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 करना है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फोन कैमरा चल रहा है ना गाड़ी में, तो लोग दूसरे लोग झांक के देख रहे हैं. सच में पता नहीं कौन बड़ी व्लॉगर जा रही है, पहचानो इसे. एनीवेज हम लोग पहुंच गए हैं. और राजा कुछ बोलना चाहते हो? अभी इसका फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ पे. एक बार तो अनंतपुरी में जा चुके हैं ना की में, तो ये न्यू है ना. और अदरवाइज प्रीवी से भी ऑफर था हमारे पास, बट प्रीवी हम एक बार जा चुके हैं, तो एक बार इसका एक्सपीरियंस लेते हैं और आप लोगों से शेयर करेंगे कैसा लगा. तो यहाँ से सिर्फ 3 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और हमारे घर से भी पास है ना. और आज ट्रैफिक भी बहुत कम है क्योंकि आज वीकडे नहीं है. आई मीन वीकडे है, वीकेंड नहीं है, तो इस वजह से ना थोड़ा बेटर है. और जल्दी पहुंचने वाले हैं हम लोग. और उसके बाद बताते हैं कि ये बेटर था, प्रीवी बेटर था, बीडब्ल्यू था कि, क्योंकि ये भी अच्छे क्लब में आता है जो सुना है, जो उसका इंस्टाग्राम हैंडल पे देखा है ना. और इसका मतलब जो पेज है वो बड़ा अच्छा लगा. और इसका क्या बोलते हैं उसे, एम्बियंस बहुत अच्छा है जो वीडियोस में देखा है. तो उसकी छोटी मोटी आपको क्लिप बना के दिखा देंगे, है ना. बिल्कुल. सो हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट. अब आगे आप लोगों को क्लिप्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस. मॉर्निंग में सुबह 5 बजे इंडिया गेट कितना खूबसूरत लगता है. सो वी आर बैक फ्रॉम सोहो. और सोहो ने दिया है थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि वहाँ का डीजे बहुत ख़राब सॉन्ग्स बजा रहा था. नॉर्मली हर क्लब में 1:30 बजे से अच्छे गाने बजने शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर बॉलीवुड सॉन्ग्स. और वो तो अंग्रेजी गानों से नीचे उतरा ही नहीं भैया. पता नहीं कौन ही गाने बजा रहा था. और शायद आज वीक डे है तो इस वजह से थोड़ा सा वो डिफरेंट म्यूजिक बजा रहा हो. बट या आज बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे. और दूसरा वो पूरे पूरे गाने बजा रहा था. ये नहीं कि 30 सेकंड का बजा दिया फिर बदल दे कुछ नया बजा दे, चेंज करे, रिमिक्स करे, वही कुछ नहीं किया उसने ढंग का. बिल्कुल मजा नहीं आया. और हम लोगों को नहीं, वहाँ पे किसी को भी मजा नहीं आ रहा था. हाँ मतलब जैसे डांस वांस करते ना, कोई वाइब नहीं थी. ठीक है, जैसे पब्लिक पागल हो जाती है एकदम, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब गाना बज रहा है, शोर मच रहा है इस टाइप से. हम अकेले हम नहीं, वहाँ पे कोई भी वाइब नहीं कर पा रहा था. सो मजा नहीं आया. बाकी अब 2:15 बज रहे हैं, जल्दी ओवर हो गई पार्टी भी. जब मजा ही नहीं आ रहा था, गाने ही नहीं बजा रहा था, वो तो क्या ही करते. मैं बता दूं देखो क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग ना, हमने सोचा यार टाइम पे वेस्ट करना है ना, क्योंकि वहाँ बहुत देर वेट कर लिया, 1 घंटा हो गया, 1/2 घंटा हो गया. उसका ना म्यूजिक बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, वाइब भी नहीं कर पा रहा था कोई. और वहाँ से लोग निकलने लगे थे. और वो लोग जैसे किसी क्लब में जाते हो ना, तो फिर हम बाउंस वगैरह बोलते हैं रुक जाइए आप थोड़ी देर, रुक जाइए. वहाँ पे कोई रोक ही नहीं रहा था क्योंकि मोस्टली पब्लिक निकलने लगी थी. तो एज ए मतलब आई एम नॉट श्योर कि वीकेंड पे भी ऐसे ही होता होगा, क्योंकि वीकडेज में ना बड़ा खराब था ये एक्सपीरियंस. इससे बहुत बेटर ना बाकी जितने भी हम क्लब गए, लाइक बीडब्ल्यू हो गया, की हो गया, उनका म्यूजिक बहुत अच्छा था, है ना. अगर आप वीडियो बनाने के शौकीन है ना, या फिर आप क्या कहते हैं रील्स बनाते हो या कुछ भी ब्लॉगिंग करते हो ना, तो इसका एक्सपीरियंस आपको इतना मजा नहीं आएगा इसमें. सो मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो थोड़ा नीचे भी देख रहा हूँ मैप में, गूगल मैप से जा रहा हूँ ना. आप बता सकते हो? सो गाइस मैं भी यही बता रही थी सेम. बाकी अब हम पहुंच जाएंगे 10-15 मिनट में अपने घर. चाय पियेंगे. और चेकिंग कितनी है दिल्ली में? देखो दिल्ली में बहुत चेकिंग है, तो 5 जगह चेकिंग है. वहां से निकले तो चेकिंग, आपने ड्रिंक रखी लो भैया, नहीं कर रखी, बहुत दिक्कत है दिल्ली में बहुत ज्यादा. अब हमारा ये खुला हुआ है, जरूर कुछ बोलेगा. बंद कर दूं ना? हां इस रूट से थोड़ी जाते. हां इस रूट से नहीं आया था, ये मंडी हाउस वाला रूट है. कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा था, सब फ्लावरिंग वगैरह बहुत हो रखी है. वो वहां पे ब्यूटीफुल था. चलो रोड है, आराम से चलाओ. ये आधा ब्यूटीफुल रोड में गिरा था फ्रेंड्स. तो यार ब्यूटीफुल कितना दिखाए ना. और क्या बताना चाहिए कि अगर आप दिल्ली में क्लबिंग कर रहे हो या प्रेफर कर रहे हो, अगर आप दिल्ली में क्लबिंग कर रहे हो तो आप बीडब्ल्यू जाओ, आप प्रीवी जाओ, आप की जाओ,
ये तीन क्लब मेरे फेवरेट हैं अब तक के, सबसे ज्यादा मजा इन्हीं तीनों में आया था। प्ले बॉय क्लब के बारे में क्या बोलोगे, जाना चाहिए? प्ले बॉय ओके ओके था, है ना, बस उसमें बुरी आ गया था इसलिए मजा आ गया था, बुरी आ गया था उसमें इसलिए मजा आ गया था। वैसे पता है वो लोग बुलाते रहते हैं किसी ना किसी को, ये तो देखा है। हाँ, वो लोगों का ना क्या है कि वो लोग किसी ना किसी को इनवाइट करते रहते हैं, बाकी जो क्लब है तो उसमें ना इन लोगों को नीड नहीं पड़ती क्योंकि इनका ऑलरेडी इतना नाम है ना, कीपर भी वहाँ लोग भाग भाग के खुद जाते हैं। लेकिन प्लेबॉय को ना थोड़ा सा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, प्रमोशन करने के लिए किसी ना किसी को बुलाना पड़ता है। बट अगर हम क्राउड की बात करें तो सबसे अच्छा क्राउड इन्हीं तीन जगहों पर आता है, और उन तीनों में भी सबसे ज्यादा बेस्ट है बीडब्ल्यू। बीडब्ल्यू में A1 प्रीवी भी अच्छा है। प्रीवी का यार, प्रीवी भी ना हम लोग वीकडे में गए थे, मुझे याद है। और प्रीवी हम वीकडे में गए थे और वीकडे में इतना अच्छा क्राउड प्रीवी में भी नहीं आया था, तो मुझे ऐसा लगता है अगर एम्बियंस देखना है तो बीडब्ल्यू का बहुत अच्छा है। बीडब्ल्यू का एम्बियंस भी अच्छा है और बीडब्ल्यू का ये था आज का व्लॉग, और अब हम घर जाके सो जाएंगे। कल का बहुत हैक्टिक डे होने वाला है, कल से मैं रेगुलर व्लॉग्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी। आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय गाइज, थैंक यू।